स्टार्टिंग स्टार्टिंग में भक्ति में इंटरेस्ट आता है बाद में फिर नाम में कथा श्रवण में फिर रुचि कम हो जाती है क्योंकि हमने सुना, हुआ है यार। तो हमने सुना हुआ है। जैसे हम बोलेंगे तो एक बहुत महान भक्त हुए इनका नाम था प्रहलाद महाराज अब अगर आ रहे प्रहलाद महाराज वही हिरण्य और नरसिंह देव उसको चीर फाड़ दिया उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड यार क्योंकि अगर आप सुनते हैं इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट के लिए तो देन यू बिकम लेकिन अगर आप सुनते हैं श्रद्धा को बढ़ाने के लिए भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए आप एक ही चीज को बार बार भी सुनेंगे तो आपको चलेगा जैसे लड़के होते हैं जिसको किसी लड़की से प्यार है अगर बार बार उसका नाम लेता है उसका नाम मालूम है खुशबू अगर वो बोलेगा भाई अगरबत्ती खुशबू अच्छी कहते क्या खुशबू क्या, क्या बोला अब आ, तेरी खुशबू याद नहीं कर रहे अगरबत्ती खुशबू की बात कर रहे हैं हम कभी लगे नहीं बोलता देखिए बहुत हो गया खुशबू खुशबू कई बदबू बदबू ही बोला करिए आप लोग ऐसा बोलते हो प्यार करता ना खुशबू से इसीलिए तो इससे जब प्रेम होता है तो एक बात को बार बार सुनने में भी वो अच्छी लगती है बट वेन वी आर डूइंग समथिंग फॉर इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट तो हो सकता है अरे ये तो पता है जैसे एक बात हम इसको कौन में बहुत सुनते हैं हम शरीर नहीं है हम आत्मा है अरे तो पता है यार। ये तो हम एक सौ आठ बार सुन चुके हैं हम शरीर नहीं है हम आत्मा है कई बार सुन चुके हैं सुना भाई ना ये हमसे कौन बो साउथ इंडियन कौन कर रहे यस साउथ इंडियन ओके कौन कौन नॉर्थ इंडियन है हाथ खड़ा करें नॉर्थ इंडियन ओके वेरी गुड अच्छा किस किस की हाइट फाइव टू से ज्यादा है ऊपर है गुड अच्छा किस-किस का जन्म 1981 के बाद हुआ है 82 83 अच्छा किस-किस का 1981 के पहले हुआ जन्म ये देखो ये वो लोग हैं जो सब सुन चुके हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा है और सबने अभी क्या जवाब दिए शरीर वाले मेरा जन्म 1981 के पहले हुआ था है ना लेकिन आत्मा तो अजन्मी है हां हम तो बोल गए कौन-कौन नॉर्थ इंडियंस होले यहां पर साउथ इंडियन सोल्स भी यहाँ पर ऐसा है सोल नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन होती है नहीं हमने 108 बार सुना हुआ है कि हम शरीर नहीं आत्मा है लेकिन जवाब हम क्या देते हैं हम शरीर हैं तो इसीलिए अंग्रेजी में कहा होता है ना रेपिटेशन इज रिक्वायर टू ड्राइव द पॉइंट होम रेपिटेशन इज रिक्वायर टू ड्राइव द पॉइंट होम पॉइंट को घर में यानी चेतना में पहुंचाने के लिए उसको बार 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 सुनना पड़ता है तो इसलिए हमें बार बार सुनना चाहिए जैसे हर साल हम लोग सुनते हैं दामोदर लीला भगवान कृष्ण हैं यशोदा मैया हैं कृष्ण को बांध देती हैं दो उंगल छोटी पड़ती है वो कितनी रस्सियाँ लेके आई फिर भी वो फिर भी बांध नहीं पा रही थी उसके बाद फिर उनको फिर कृष्ण को बांध दिया कितनी बार सुनिए लीला बहुत बार सुनिए लेकिन आज भी अगर कोई सुना रहा होगा ना दामोदर लीला अगर तो सुनते हैं अरे वाह दामोदर यशोदा मैया कृष्णा अरे माखन चोरी सुनते हैं क्योंकि जब प्यार होता है तो आप रेपिटेशन को रेलिश करते हो और जब प्यार नहीं होता सिर्फ इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट होती है फिर लगता है अरे भैया ये तो हम सुन चुके तो किसके लिए सुनना चाहिए टू इंक्रीज आर लव फॉर गॉड और फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ इंटेलेक्ट टू इंक्रीज आर लव फॉर गॉड ये इंक्रीज आर लव फॉर गॉड इसमें सेम हरे कृष्ण महामंत्र बार बार कर रहे हैं को बोल है यार कोई नया मंत्र भी सुना दे करो यार तुम लोग यार वही मंत्र लग रहा है आप लोगों शुरू से सुबह से हरे कृष्णा हरे कृष्ण कभी तो दूसरा मंत्र लेकर आए कभी तो ओके okay, एक चेंज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद्री अद्वेदर श्री वास्ती चलो कुछ तो चेंज आया उसके और अगला हरे कृष्ण फिर हरे कृष्ण लेकिन हम हरे कृष्ण बार बार क्यों करते हैं क्योंकि हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान का नाम लेते हैं इसे ये तो हमारे बार नया मंत्र निकाले ना कुछ कुछ नया होना चाहिए ना कुछ न्यू वराइटी कभी सांस लेने में सोचते हैं वही सेम सांसें ले जा रहे हैं कभी तो कोई चेंज लेके आए एक घंटा छोड़ो यार सांस सांस डू डू दैट इसीलिए रेपिटेशन इज रिक्वायर्ड यस